श्रावस्ती पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राप्ती नहर परियोजना के उद्घाटन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह परियोजना 9 जिलों को जोड़ती है। श्रावस्ती जनपद से निकलकर गोरखपुर बस्ती को जाने वाली यह नहर परियोजना किसानों के लिए काफी मुफीद साबित होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राप्ती नहर परियोजना का 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सरयू नहर परियोजना जो 71 और 72 में जिसकी कल्पना की गई थी, और उस समय जब कल्पना की गई थी तो 78 करोड़ की परियोजना थी। 1978 में इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आई लेकिन परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने भारत की बहुत सारी परियोजनाओं की समीक्षा किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की और लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकारों से बातचीत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस परियोजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके फिर से रिवाइज एस्टीमेट इसका बना। 9,802 करोड़ रुपए की यह परियोजना, 9 जिले की परियोजना, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर की इस परियोजना की दृष्टि से जनवरी 2018 से इस पर कार्य प्रारंभ हुआ और युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए इस परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण किया है और उसी परियोजना के लोकार्पण के दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। 11 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। कुल 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन इसके माध्यम से सिंचित होगी।